मॉर्निंग क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर फूड एंड डाइजेशन पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने अपने कुछ टॉपिक को पढ़ा था और आपको एक्सप्लेन किया था, ये कि आपको समझ में आया होगा और आपने एक बार खुद से कुछ चैप्टर को पढ़ा होगा उस टॉपिक को। एक बार फिर हम लोग एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, वो हमें क्या देती है, गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। हू नीड्स, इसकी आवश्यकता किसको होती है, जो फिजिकल वर्क करते हैं जैसे कि चिल्ड्रेन आपके उधर वर्कर्स, उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है। सोर्सेज उसके क्या क्या थे, राइस, पोटैटो, फ्रूट्स, स्वीट एक्सेट्रा। सोर्सेज आपके थे राइस, चावल, पोटैटो, आलू, फ्रूट्स, फल और स्वीट्स, मतलब मीठी चीज़ें। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको बताया गया था, दो चीज़ें तीन होती हैं आपकी, शुगर और स्टार्च और फाइबर। तो आपको इसके बारे में बस दो चीज़ों के बारे में जानना है, शुगर और स्टार्च के बारे में। तो शुगर में आप बताओ कैसे टेस्ट होता है, स्वीटिंग टेस्ट। शुगर का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, स्टार्च का नॉट टेस्ट स्वीट, उसका टेस्ट जो है वो मीठा नहीं होता। और शुगर में क्या सोर्सेस थे उसके, स्वीट फूड्स और फ्रूट्स, फ्रूट्स लाइक मैंगो। आपका शुगर में कौन से फ्रूट्स आएगा, मैंगो फ्रूट्स। और आपका स्ट्रेस में था सोर्सेस, पोटैटो, ब्रेड, राइस एक्सेट्रा। फिर था फैट्स, फैट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उससे क्या होता है, गिव एनर्जी मोर देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जो है हमें एनर्जी देती है मोर देन कार्बोहाइड्रेट। और फंक्शन आपकी क्या होती है, ये किस चीज़ में हमारी हेल्प करती है, हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी वॉर्म। ये हमारी बॉडी को वॉर्म करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी को गर्म करने में मदद करती है। गिव एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग और व्हेन वी फील हंग्री, ये हमें एनर्जी देती है तब जब हम फास्टिंग, मतलब जब हम व्रत रहते हैं और जब हमें फील होता है कि हम भूखे हैं। फिर थर्ड हमारा था एक्स्ट्रा फैट्स गेट्स स्टोर इन आवर बॉडी। जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो स्टोर हो जाता है कहाँ, हमारी बॉडी में। इसके सोर्सेज क्या थे, सोर्सेज हमारे थे नट्स, बटर, घी, ऑयल एक्सेट्रा। फैट्स आपको किससे मिलता है, नट्स से मिलता है, बटर से मिलता है, ऑयल से, घी से और बाकी चीज़ों से भी। एनर्जी गिविंग फूड्स आपको बताया गया था क्या है, हमारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस फूड में आता है, हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन्स हमारे होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। फिर फंक्शन इसकी क्या है, हेल्प अस टू ग्रो, बिल्ड मसल्स, रिपेयर बोन और टिश्यू। ये किसमें हेल्प करती है, हमें ग्रो करने में और हमारे जो मसल्स होते हैं उनको बनाने में, रिपेयर बोन और टिश्यू। रिपेयर यानी जो भी हमारी कोशिकाएँ खराब हो जाती हैं उनको रिपेयर करने में ये हमारी हेल्प करती है। सोर्सेज इसके क्या क्या है, मिल्क है, एग्स है, मीट, फिश, नट्स एक्सेट्रा। इसके सोर्सेज आपको इसमें ये सारी प्रोटीन्स मिलेंगी, मिल्क में मिलेगी, एग्स में मिलेगी, मीट में मिलेगी, फिश में, नट्स में और एक्सेट्रा, यानी और चीज़ों में आपको इसमें प्रोटीन्स पाई जाती है। आइए इस टॉपिक को एक बार देखते हैं। पेज नंबर 33 पे है आपका प्रोटीन। प्रोटीन इज द सेकेंड मोस्ट एब्सेंट सब्सटेंस इन द बॉडी नेक्स्ट टू वाटर। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए सेकेंड मोस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण या प्रचुर मात्रा में पदार्थ मिलता है बॉडी के बाद, पानी के बाद, वो कौन सी है, प्रोटीन। प्रोटीन इज यूज बाय द बॉडी टू मेक मसल्स और ऑर्गन्स एंड अदर टिश्यूज सच एज स्किन एंड हेयर। अभी आपको बताया जा रहा है ग्रो करने के लिए, बिल्ड मसल्स, रिपेयर बोन टिश्यूज। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ये यूज यानी हेल्प करते हैं हमारे मसल्स को बनाने में, ऑर्गन्स यानी अंगों को, कुछ अंग होते हैं उनको बनाने में, और टिश्यूज जो कि खराब हो जाते हैं उनको
एंड हेयर को हमारे हेयर और स्किन क्लीन भी हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन द रिपेयर व्हाट आउट टिश्यूज, जो हमारे टिश्यूज खराब हो चुकी होती हैं उनको भी रिपेयर करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। प्रोटीन रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, प्रोटीन जो है रेगुलेट करता है बॉडी फंक्शंस। इट मेक्स अप एंटीबॉडीज विच वार्ड्स ऑफ स्किन में, ये हमारी जो है एंटीबॉडीज को बीमारी के टाइम हेल्प करता है कि हम इससे अपनी बीमारियों से लड़ सकें। प्रोटीन्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड लैक्टिंग मदर्स, जैसा कि अभी आपको बताया गया था ग्रो करने की हेल्प में आता है बच्चों को बढ़ने के लिए, और लैक्टिंग मदर्स जो मदर्स अपने बच्चों को फीडिंग कराती हैं उनको प्रोटीन्स की अधिक जरूरत होती है। मिल्क एग चीज मीट एंड फिश हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन, किन चीज़ों में आपकी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है? मिल्क में मिलती है, एग्स में मिलती है, चीज में मिलती है, मीट में मिलेगी एंड फिश हैव लॉट ऑफ प्रोटीन, इन सारी चीज़ों में है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगी। तो एक बार फिर सुन देखिए, प्रोटीन हमारे कौन से फूड में आता है? बॉडी बिल्डिंग फूड में, ये हमारे शरीर की यानी बॉडी को बिल्ड करते हैं मतलब बनाता है। फंक्शंस हमारे क्या है? हेल्प अस टू ग्रो बिग मसल्स रिपेयर बोन और टिश्यू, ये ग्रो करने में हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं यानी हमें बढ़ने में हेल्प करते हैं, हमारे मसल्स को बनाने में हेल्प करता है, और जो भी टिश्यूज कोशिकाएं हमारी होती हैं खराब हो जाती हैं उन्हें रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करता है। सोर्सेज इसके क्या हैं, किसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है? मिल्क एग्स मीट फिश नट्स एक्सेट्रा। फिर हमारा आता है विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स में आपको हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, ये किसमें हेल्प करती है? हमारी रोगों से लड़ने के लिए हमारी ये हेल्प करती है। फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड ब्लड, ये जो है हमारे यानी दांतों को बनाने में हेल्प करता है, और बोन्स को बनाने में हेल्प करता है, जो थोड़ी बहुत डैमेज होती है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है, एंड ब्लड को, इससे ब्लड भी हमारे बनते हैं। हु नीड्स, इसकी आवश्यकता किसको होती है? ऑल एज ग्रुप्स पीपल्स, यानी सभी उम्र के लोगों को इसकी आवश्यकता होती है। सोर्सेज इसकी क्या है? फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स नट्स एग्स मिल्क एक्सेट्रा, तो सोर्सेज में आपके आ गए फ्रेश फ्रूट यानी कि ताज़े फल सब्जियाँ और नट्स एग्स और मिल्क, ये सारी चीज़ें इसकी सोर्सेज हैं। फिर हमारा आता है विटामिन्स, विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाई अवर बॉडी, विटामिन्स की बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज होती है हमारी बॉडी के लिए आवश्यकते हैं। द बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज, जैसे कि अभी आपको बताया गया ये किसमें हेल्प करती है? हमारे रोगों से लड़ने के लिए। दे आल्सो हेल्प अवर आईज नर्व्स जम एंड स्किन टू वर्क प्रॉपरली, ये हमारी हेल्प करती है आंखों के लिए और मसलों को स्वस्थ रखने के लिए, स्किन को स्वस्थ रखने के लिए प्रॉपरली ढंग से हमारी हेल्प करती है। विटामिन ए कीप्स अवर आईज एंड स्किन हेल्दी, विटामिन ए से हमारे जो है आंखें और हमारे स्किन वो क्या होती है? हेल्दी होती है। विटामिन बी इज गुड फॉर मसल्स, और विटामिन बी जो होती है वो मसल्स के लिए हमारे अच्छी होती है एंड नर्व्स। विटामिन सी मेक्स जम्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प्स अवर बोन्स, जो विटामिन सी होती है वो हमारे मसलों को और जम्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है। विटामिन डी से मेक्स अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, विटामिन डी से हमारे जो बोन्स होते हैं क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। फ्रेश फूड्स वेजिटेबल फिश एंड मिल्क आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, किसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन आपको मिलती है? फ्रेश फूड्स में मिलेगी, वेजिटेबल्स में, फिश में और मिल्क में बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको विटामिन्स मिलेंगी। फिर आपको मिनरल है, मिनरल आर ऑल्सो नीडेड इज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू कीप अस फिट एंड हेल्दी, हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए बहुत ही कम मात्रा में मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। द कैल्शियम प्रेजेंट इन मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैल्शियम किसमें पाया जाता है? हमारे
मिल्क में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, यानी हरे पत्तेदार सब्जियों में। हेल्प्स इन बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, मिनरल्स हमारे किस लिए हेल्प करती हैं, हमारे टीथ को और बोन्स को बनाने में हेल्प करती हैं। वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल कंटेन आयरन विच हेल्प द ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो वेजिटेबल स्पिनच मतलब पालक जो होती है सब्जियाँ और उसमें एप्पल जो हमारे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होती है, वो हमारे किसमें हेल्प करते हैं, विच हेल्प द ब्लड कैरी ऑक्सीजन, जो वो सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं ब्लड को ले जाने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये जो है ब्लड को ले जाते हैं। तो अभी आपने पढ़ा प्रोटीन्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो आप ये विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स और मिनरल को और क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारी रक्षा करती है। तो ये एक्सट्रा कॉपी में आपको नोट डाउन करना है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसके बारे में फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।